दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 4 acres ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛਡਾ मैं हुणे ही कह के हटिया सारिया इंटेलीजेंसियां नूं प्लस तुहानूं सारिआं नूं पता दीपक शर्मा रिंकू शराब माफिया दा काम करदा ढालण। मैं कहना माई का लाल, मैं कहना अं सच्चे काम किए तो असं जितांगे। जे चोर जितने चोर डट के मुकाबला करा, बेईमान लोग जो उन्होंने वोट पागे अं उन्होंने भी इंतजाम करा। DSP खड़े SHO खड़े आ, खड़ा दीपक शर्मा इंटेलीजेंसी भी पता, खुद गुरु ग्रंथ साहब सामने खड़ के कह दें DSP साहब भी इन्हों नहीं पता। मैं भी गुरु ग्रंथ साहब के बच खड़ के कहूंगा इन्हों पता। विरोध है इतने का जरा सबका सरपंच है कांति मोहन जी, एक ट्रेडमार्क है कि जो भी कोई भी इतने पोलिटिकल लीडर आता है वो भी आदत है कि अपने साथियों लैके वो इतने उन्होंने अपोज करता है। पिछले 5 साल जिनी देर अकाली दल की सरकार रही उस टाइम भी यदि आदत सी कि यह किसी भी डिवेलपमेंट काम को यह सिरे नहीं चढ़न देता सगा, और मैनू दुख है कि पिछले लंबे अरसे तो जब तक इस पिंड का सरपंच है ये शख्स बनया है इस पिंड की डिवेलपमेंट रुकी है। पर मैनू पूर्ण आस है कि आने वाली जी पंचायतों की चोणा ने इस पिंड के विचों एक ऐसी पंचायत चुन के आएगी जो इस पिंड को अगे ले जाने का काम करने अपना योगदान पाएगी, और जो पंजाब सरकार की बनी हुए प्रोग्राम और पॉलिसीज नू इंप्लीमेंट करने वास्ते इत्थे ऐसी पंचायत का गठन करेगी जिहड़ी उहदे विच कोई अटकार ना पावे। ये लोग वो लोग ने जिहड़े हमेशा इलैक्शनां दे विच पैसे लैके सौदाबाजी करते ने। मैं उन्होंने अपने साथियों नू भी जिहड़े इन्हां दे चंगुल विच या इन्हां दे झूठ प्रचार विच क्योंकि अनपढ़ जनता इन्हां दे झूठ प्रचार विच आ जांदी है, उन्होंने भी अपील करूंगा कि तुसीं पिछले 5 साल इस पिंड की डिवेलपमेंट रिकॉर्ड विच सर हले तक पिंड की डिवेलपमेंट रिकॉर्ड दे विच इस शख्स का साथ दिता है। आने वाले समय विच ऐसा काम ना करिए कि आपां पिंड की डिवेलपमेंट होर 5 साल अगे पौधी। मैं इन्ना ही कहना, काफ़ी देर तो पिछले 5 सालों तो अंदोलन करता आ रहा अपने पिंड की ग्राम पंचायत मठड्डा कलां दी मालकी वाली वाहीजोग जमीन दे वास्ते दोहां सरकारां दे जुंगल विचों पिंड मठड्डा कलां दे संघर्षी योधियां ने प्रोटेस्ट कर करके जमीन छुड़ाई जिहदी कीमत है 2 करोड़। चौधरी साहब फिर झूठ ते झूठ बोल रहे, सियासी बयानबाजी करन तों बाज नहीं आ रहे। लोग ये कहिंदे कि उत्थे डिवेलपमेंट नहीं हुई, सारी जिंदगी उस जमीन तो चुकौते का पैसा जिहड़ा उह पिंड दी आमदन दे विच वाधा होना, 2 करोड़ रुपये का ठेका शराब का चुकाया इन्हों गुंडेगर्दी सरकारां तो, और पंचायत घर बनाया, बोली कराई, इनकम के साधन इनक्रीज किए, पिंड के
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਮਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੀ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਲੋਕ ਆ ਪਿੰਡ ਮਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੂਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁਕਾਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹਨੀ 60-70 ਸਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫਾਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈ।